बबीता रोहतक की रहने वाली हैं। उनका 5 साल का एक बेटा है। अब जुलाई के महीने में उसे डायरिया हो गया था। उसे दिन में 3 से 4 बार लूज मोशंस हो रहे थे। पहले 2 दिन तो बबीता ने डॉक्टर से पूछकर उसे दवाई दी और ORS का घोल दिया, पर जब 3रे दिन भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, उल्टा तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला उसे सीवियर डायरिया हुआ था। अस्पताल में 3-4 दिन के इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया। अब वो ठीक है। बबीता बताती हैं कि उनके जानकारी में ऐसे कई लोग हैं जिनके छोटे बच्चों को डायरिया हो गया था। वो चाहती हैं कि हम डायरिया पर एक एपिसोड बनाएं, किन कारणों से ऐसा होता है ये लोगों को बताएं, साथ ही डॉक्टर से पूछकर इलाज के बारे में भी बात करें। अब वैसे तो डायरिया होना बहुत ही आम है। डॉक्टर्स की माने तो अडल्ट यानी 18 साल से ऊपर के लोगों को साल में 1 से ज़्यादा बार डायरिया होता ही है। ये अक्सर अपने आप में 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन डेटा के मुताबिक हिंदुस्तान में हर साल डायरिया से 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। WHO ने अपने सर्वे में बताया है कि 5 साल से छोटे बच्चों में डायरिया मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। दुनिया भर में इससे हर साल 5 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में छपे आंकड़ों के मुताबिक इंडिया में हर साल डायरिया के लगभग 1 करोड़ केसेस रिपोर्ट होते हैं। अडल्ट में मौत का जो दर है वो बच्चों से कम है, पर 1000 मौतें हर साल रिपोर्ट की जाती हैं। कुल मिलाकर डायरिया भले ही बहुत ही आम समस्या हो, पर ये खतरनाक है, क्योंकि डायरिया के 90% केसेस गंदा पानी और सफाई की कमी के कारण होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लूज मोशन आने का मतलब आपको डायरिया हो गया है क्या, और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। लूज वाटरी यानी कि पतले पानी से जैसे लैट्रिन होना और कम से कम 3 या उससे अधिक बार होने को हम डायरिया कहते हैं। कुछ लोगों को आदतन ही ज़्यादा बार होता है, तो उसमें उनकी आदत से कम 3 दफ़ा और हो तो उसे डायरिया कहा जा सकता है। डायरिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और सबसे जो कॉमन कारण होता है वो होता है एक इन्फेक्शन, और इसके अलावा डायरिया और भी वजहों से हो सकता है, जैसे कि आप किसी खाने की चीज़ जिसे आप एब्जॉर्ब ना कर सके, जिसे हम माल एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। कुछ किस्म की आंतों की बीमारियां हैं जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, जिसमें कि आंतों के अंदर हमारे इन्फेक्शन जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उससे भी डायरिया हो सकता है। सबसे पहले तो उसकी बात करें जो सबसे कॉमन है। विश्व भर में सबसे कॉमन वजह जो होती है वो इन्फेक्शन होता है, और उसमें भी वायरस सबसे अधिक कॉमन होता है, और इसलिए आमतौर पर कहा जाता है कि इसके लिए इलाज के लिए बहुत दवाएं नहीं देनी होती, क्योंकि वायरस खुद ब खुद 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो ये डायरिया भी जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। कभी कभी ये किसी खाने में उत्पन्न इन्फेक्शन की वजह से हो, जैसे कि बैक्टीरियल डायरियाज होते हैं, उसमें आपको एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता हो सकती है। डायरिया में हमारे शरीर से पानी और उसके साथ साथ कुछ किस्म के नमक की कमी हो सकती है, सोडियम पोटेशियम जैसे सॉल्ट की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे को शरीर में तकलीफें होती हैं, लक्षण होते हैं, जिसे साइन सिम्टम कहा जाता है। तो कॉमन जो डायरिया के साथ अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यही कि पतले दस्त यानी कि पतली लैट्रिन आपको कई दफ़ा जाना पड़ता है, साथ में पेट में दर्द मरोड़ जैसी परिस्थिति भी हो सकती है। आमतौर पर इसके साथ आपको उल्टियाँ भी आती हैं। डायरिया में जो पतली लैट्रिन हो रही है, पतले दस्त हो रहे हैं, उसमें खून भी आ सकता है, आफ यानी कि म्यूकस भी आ सकता है, और ये ही कॉमनली हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले पानी की कमी। पानी की कमी होने से हमारे शरीर सारे अंगों के जो सेल्स हैं वो श्रिंक करने लगते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले तो मूलतः बहुत प्यास लगना, कमजोरी फील होना, आप ऐसा लगता है कि अब चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, ये एक सबसे कॉमन सिम्टम होता है, जिसकी वजह से आगे चल के हमारे शरीर में पानी की ज़्यादा कमी होने से गुर्दों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से पेशाब कम आना शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले तो यह है कि शरीर से पानी और पानी के साथ नमक की कमी हो रही है, इसलिए जिसे हम सभी जानते हैं कि ORS
यानी कि ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये बहुत कारगर चीज़ है क्योंकि इसमें पानी भी होता है, थोड़ी शक्कर भी होती है और थोड़ा नमक भी होता है। ये तीनों चीज़ें जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो ये सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी को डायरिया हो तो ये दिया जाए। अगर आप ORS नहीं कर पा रहे हैं तो घर में भी आप नमक चीनी का घोल बना सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि चीनी ज़्यादा नहीं डले, क्योंकि ज़्यादा मीठा होने से फिर हमें और डायरिया भी हो सकता है। ऐसे ही हम नींबू पानी, जो कि डाइल्यूट होना चाहिए, यानी कि उसे आमतौर पर जो आप नींबू पानी बनाते हैं उसको आप समझ लीजिए 2 से 3 गुना डाइल्यूट करके पिए। अगर आपके पास जूसेस हैं वो पीना चाहते हैं तो उसे भी डाइल्यूट करके पीना है, क्योंकि इन सब में आमतौर पर जो बाजार में मिलते हैं ये सारे जूसेस, इनमें चीनी की मात्रा अधिक होती है और ऐसे चीज़ों को लेने से डायरिया बढ़ सकता है। डायरिया के इलाज में, जैसा कि मैंने पहले कहा, वायरल डायरिया में आमतौर पर पानी की कमी को पूरा करना होता है, और उसके अलावा जो परेशानियां हो रही हों, जैसे अगर पेट में दर्द है उसके लिए कुछ दिया जा सकता है, उल्टी हो रही है तो उसकी दवा दी जा सकती है। आमतौर पर कोई स्पेशल दवा देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम जाँच में ये पाते हैं कि ये किसी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, तो उसके हिसाब से एंटीबायोटिक दी जा सकती है। बचाव के लिए तो ये ध्यान करना है कि कॉमनली ये फूड बॉर्न होता है, यानी कि खाने के रास्ते या हाथ के रास्ते या पानी की गंदगी की वजह से डायरिया होता है, तो अपने हाथ साफ रखने जरूरी हैं। कहाँ से और क्या खा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो साफ जगहों से ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें इन्फेक्शन की संभावना नहीं हो, ये सबसे आसान तरीका है। और पानी का जो आपका सोर्स है, यानी कि स्रोत है, उसे साफ होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत कॉमन जो प्रश्न सभी पूछते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो, बहुत ज़्यादा फाइबर हो, क्योंकि उससे फिर आपको डायरिया की मात्रा बढ़ती है। दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में आमतौर पर डायरिया बढ़ जाता है क्योंकि फैट कंटेंट भी होता है। हाँ, दही अलग है, दही में लैक्टोबैसिलस होता है, इसके चलते वो आपके लिए फायदेमंद होता है। तो दही की बनी हुई चीज़ें आप ज़रूर ले सकते हैं। हल्का खाना खाना चाहिए जिसमें ना ज़्यादा तेल हो ना ज़्यादा तेज मसाला हो, पर आप एक नॉर्मल घर का बना दाल चावल खा सकते हैं, बस ज़्यादा उसमें मिर्च मसाला और तेल ना हो। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। आपको डायरिया से अगर बचना है तो अपने हाथों को साफ रखें, साफ पानी पिएं और साफ खाना खाएं। अब बात जब साफ पानी की आती है तो शहरों में साफ पानी मिलना थोड़ा आसान होता है, गाँव और छोटे इलाकों में ये एक बड़ी समस्या है। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए, लोगों को साफ पानी मुहैया करवाना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा है तब तक पानी उबाल कर पिए, सफाई का ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। डायबिटीज को अक्सर उम्र के साथ होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स में गिना जाता है, पर यह सच नहीं है। डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकती है, यहां तक कि बचपन में भी। जी हाँ, बच्चों को भी डायबिटीज़ होती है। इसके बारे में हमें और बताया डॉक्टर रितेश गुप्ता ने। बच्चों में सबसे ज़्यादा टाइप 1 डायबिटीज़ पाई जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ को जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। इस डायबिटीज़ में बच्चों के पैनक्रियाज में बने वाला इंसुलिन पूरी तरह से ख़त्म होने की वजह से शुगर बढ़ना चालू हो जाती है। इसके पीछे कारण है कि रक्त पेशी, जिन्हें फाइटर सेल्स बोलते हैं, वो अपने ही पैनक्रियाज के बेटा सेल्स, जहाँ से इंसुलिन बनता है, उसको ख़त्म कर देते हैं। क्यों ख़त्म कर देते हैं? वजह है वायरल इन्फेक्शन या फिर जेनेटिक बीमारियाँ। दूसरी तरह का डायबिटीज़ जो बच्चों में पाया जाता है उसे कहते हैं अर्ली ऑनसेट टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर बड़ों में पाया जाता है। इस डायबिटीज़ में इंसुलिन पूरी तरह से बनना बंद नहीं होता है, इसमें इंसुलिन काम करना कम कर देता है। वजह है मोटापा, जिसे आप ओबेसिटी कहते हैं। अगर परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो बच्चे में डायबिटीज़ आने का चांस 100% तक बढ़ जाता है। अगर पैदा होते समय बच्चे का वज़न 3.5 किलो से ज़्यादा है तो बच्चे में टाइप 2 डायबिटीज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर माँ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है तो बच्चे को 20 साल से पहले डायबिटीज़ होने का चांस भी बढ़ जाता है। कुछ और तरह की डायबिटीज़ भी बच्चों में पाए जाते हैं, जिन्हें मोडी बोलते हैं या फिर FCPD डायबिटीज़, जिसमें पैनक्रियाज में पथरी होने की वजह से डायबिटीज़ होता है, पर यह काफ़ी रेयर है। टाइप 1 डायबिटीज़ में एक ही इलाज है, इंसुलिन। इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। कुछ दवाइयाँ देते ज़रूर हैं पर इंसुलिन बंद करके नहीं, इंसुलिन तो देना ही होता है।
टाइप 2 डायबिटीज़ में कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं जो बड़ों को भी दी जाती हैं। इनमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बच्चों को दी जाती हैं। अब बात जब डाइट की आती है तो आपको बच्चों को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देने चाहिए, यानी वो चीज़ें जिसमें फाइबर ज़्यादा है, जैसे ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, रागी और कुट्टू का आटा। मैदा और सूजी का सेवन कम से कम करवाना चाहिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे क्या प्रेगनेंसी के समय आपको कॉफ़ी पीनी चाहिए। बहुत लोग कॉफ़ी के बिना अपने दिन की शुरुआत कर ही नहीं पाते, पर क्या प्रेगनेंसी के समय कॉफ़ी पीना आपकी और आपके बच्चे की सेहत के लिए ठीक है? इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन सुनीता से। कॉफ़ी में मौजूद कैफीन लिमिटेड मात्रा में पिया जाए तो ही ये ठीक है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान इसकी ज़्यादा मात्रा ली जाती है तो ये एंग्जाइटी, नींद ना आना, एसिडिटी जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। डाइटिशियन सुनीता बताती हैं कि कॉफ़ी पीने से मना करने के पीछे कारण ये है कि ये प्लेसेंटा में आसानी से पास हो सकती है। इसके पीछे वजह ये है कि कॉफ़ी में मौजूद जो कैफीन होता है वो आपके खून में मिल सकता है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ता है। ऐसे में प्री मैच्योर बेबी बर्थ, मिसकैरेज और कम वजन के बच्चे पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।